रेस्टोरेंट। मैं संतोष सर अपने यूट्यूब चैनल गुरु वाटिका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स टू यंग वंस सिमिलर टू इट्सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला, रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स टू यंग वंस, या हम लोग इसको ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स टू यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ। ठीक है, द यंग वंस ग्रो एंड मैच्योर टू रिप्रोड्यूस न्यू जनरेशन। ओके, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने जान लिया कि क्या है रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन अपने से संतान की उत्पत्ति करेगा, तो ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग डॉग नहीं हो सकता, काउ नहीं हो सकता, या काउ का ऑफस्प्रिंग डॉग नहीं हो सकता, तो डॉग का ऑफस्प्रिंग डॉग, काउ का ऑफस्प्रिंग काउ, ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग काउ। इसीलिए वर्ड मैंने यहाँ यूज किया सिमिलर टू इट्सेल्फ। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो अगर दूसरा एक चरण हम लोग लेके चले इसे, तो रिप्रोडक्शन जो है वह वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यह रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक लाइफ स्पान। ठीक है, व्हाट इज लाइफ स्पान? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान ऑफ इट्स। ओके, अगर किसी भी ह्यूमन का अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल डेथ हो गया, अगर वह उसका एक्सीडेंटल डेथ 25 इयर्स के एज में हो गया या 30 इयर्स के एज में हो जाए, तो वह उसका लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगा, नेचुरल डेथ। बट टू नेचुरल डेथ के प्रोसेस को जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नॉन एज इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लॉन्गिविटी के टर्म में भी
जानते हैं, ठीक है। तो लाइफ स्पैन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइफ स्पैन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लॉन्गेविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होगा वह फ्यू मिनट्स से लेकर सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वहाँ पर कुछ ब्लैंक्स है तो मैं उसको आज आप लोगों को फुलफिल कर देता हूँ। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया गया है एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है, 60 to 75 years। रोज का टेन ईयर्स, डॉग का 25 years, बटरफ्लाई का 1 to 2 weeks, क्रो का 15 years, बनाना ट्री का बोलिए, बनाना ट्री 25 years, हॉर्स 50 years, क्रोकोडाइल 60 years, और पैरोट 140 years, ठीक है। टॉर्टोइज कितना होता है, 100 to 150 years, और राइस प्लांट 4 to 5 months हो गया, और बनियान ट्री 200 to 300 years। बनियान ट्री 200 to 300 years, ठीक है, समझ गए। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, क्या, तो लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड टू विथ देयर साइज, ठीक है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वह उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जैसे क्रॉ और पैरोट दोनों का साइज क्या है, सिमिलर है, लेकिन क्रो का जो मेरा लाइफ स्पैन कितना है, 15 years, और वही पैरोट कितना है मेरा, 140 years। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया लेकिन साइज क्या है, अप्रॉक्स सेम है। इसीलिए कहा गया क्या कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विथ देयर साइज, ठीक है। जैसे हम लोग मैंगो ट्री और एक हम लोग ले लेते हैं पीपल का ट्री,
मेमोरी का लाइफ स्पैन कितना होता है? अप्रॉक्स 300 ईयर्स। और वहीं पीपल ट्री का 2000 to 3000 ईयर्स। दोनों का साइज अप्रॉक्स सेम होता है, लेकिन लाइफ स्पैन दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए कहा गया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ वो क्या होता है? सर्टेनिटी होता है, यानी अचानक होता है। ठीक है, तो डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज ए सर्टेनिटी। That is, no individual, no individual is immortal. ठीक है, immortal का मीनिंग अमर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज का जो डेथ होता है वह सर्टेनिटी होता है। That is, no individual is immortal. कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इमोर्टल नहीं होता, अमर नहीं होता, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे एग्जांपल हम लोग लिए अमीबा, अमीबा का बैनर डिफ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। तो उस कंडीशन में अमीबा का पार्ट न्यू जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसलिए उसे हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, ये लाइफ स्पैन जो है वह कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वह कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? ठीक है, तो मेनली हम लोग उसे 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन किसमें होता है? 4। ठीक है, तो सबसे पहला फेज मेरा कहलाता है जुवेनाइल फेज, दूसरा मैच्योरिटी फेज, तीसरा सेनिसेंस फेज, और चौथा डेथ। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जुवेनाइल फेज, सेकेंड मैच्योरिटी फेज, थर्ड सेनिसेंस फेज, फोर्थ डेथ। ठीक है, तो इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जय मा सा दे। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा? जय मा सा दे। ठीक है, तो इस जय का जे से मेरा क्या हो गया? जुवेनाइल फेज। माँ का एम से मैच्योरिटी फेज, शारदे का एस से सेनिसेंस, सेनिसेंस फेज, और दे का डी से डेथ। ठीक है, जय मां शारदे, जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज, सेनिसेंस फेज, और लास्टली डेथ हो जाता है। ये 4 स्टेज किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन का होता है।
ठीक है। अब हम लोग इस चारों का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग फर्स्ट आते हैं जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज किसे कहते हैं? ये किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन का फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट फेज होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज ए फर्स्ट फेज, ठीक है। दूसरा, इस फेज में लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजिंग होता है, ठीक है। जनरली इस फेज में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, ठीक है। तो यानी वह ऑर्गेनिज्म अपने में रिप्रोड्यूस करने का कैपेसिटी को डेवलप करता है। तो क्या हम बोलेंगे? ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। या अगर शॉर्ट में तो बोलना चाहे तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलना चाहें क्या बोलेंगे? द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, ठीक है। लेकिन इस जुवेनाइल फेज को प्लांट के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज, समझे। जुवेनाइल फेज इक्विवेलेंट टू वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, ठीक है। इट इज नाउन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। इट इज नाउन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, ठीक है। समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मैच्योरिटी फेज, ठीक है। तो मैच्योरिटी फेज क्या है? द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरिटी फेज। जुवेनाइल फेज का एंडिंग मैच्योरिटी फेज का बिगिनिंग कहलाता है। यानी जुवेनाइल फेज खत्म होने के कगार पर है तो वहां से मेरा मैच्योरिटी फेज स्टार्ट होगा, या उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। तो इस फेज में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने का कैपेसिटी डेवलप हो जाता है, अर्थात वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकता है। किस फेज में? मैच्योरिटी फेज में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच विच मार्क्स द
बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मैच्योरिटी फेज, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, समझ गए। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स ड्यूरिंग दिस फेज एंड गिव्स बर्थ टू यंग वंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस फेज में क्या करता है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दे आर एबल टू, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड गिव्स बर्थ टू यंग्स वंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज चलते हैं, एजिंग एंड सेनेसेंस। एजिंग एंड सेनेसेंस फेज, ठीक है। तो एजिंग फेज मेरा क्या काम आता है, दोनों को रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया ताकि समझने में आप लोगों को सुविधा हो, आसान हो। ठीक है, तो एजिंग फेज क्या कहलाता है, इट इज द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के का ऑर्गेन या ऑर्गेन पार्ट्स वो क्या होगा, डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजिंग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन इन द बॉडी। आया सुनो, और ऑर्गेन्स और ऑर्गेन्स पार्ट्स। ठीक है, यह हम लोग अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऑर्गेन्स एंड बॉडी पार्ट्स टू गेट डैमेज, ऑर्गेन एंड सम बॉडी पार्ट्स गेट डैमेज। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेनेसेंस स्टेज। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग। इट इज द टर्मिनल इरिवर्सिबल, इट इज द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग, इट्स कॉल्ड सेनेसेंस। ठीक है, तो हम लोग
सेनेसेंस फेज हो गया, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब एजिंग स्टेज ये रिवर्सिबल में हो जाता है तो वह सेनेसेंस फैलाता है, और ये सेनेसेंस लिफ्ट टू द डेथ, ये फैली मूव कर जाता है डेथ की ओर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट लीड्स टू द डेथ, या बोलेंगे इट्स फाइनली लीड्स टू द डेथ। समझ में आया? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज हम लोग आते हैं चौथा डेथ। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट स्टेज होता है या लास्ट फेज होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन का लास्ट फेज या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट फेज या लास्ट स्टेज होता है को क्या, डेथ। तो क्या बोलेंगे इसे, इन दिस फेज फेज देयर इज द फाइनल परमानेंट सीजेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी इस स्टेज में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वाइटल एक्टिविटीज होता है वो सारा सीज कर जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेथ, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज द फाइनल और लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन। ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर इज द परमानेंट या फाइनल कर लो, देयर इज द फाइनल परमानेंट सीजेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज, ठीक है। तो जो कि इट्स फाइनली लीड्स टू द डेथ। समझ में आ गया? तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो मैंने समझाया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।